नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव स्विता किचन में आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और एकदम मीठी रेसिपी जो सभी को पसंद आती है, बच्चों को खासकर पसंद आती है। इसमें एक वो चीज़ मिलाऊंगी जो मिलाने से ना बहुत ही अच्छे इसका टेस्ट हो जाता है और बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, तो ये रेसिपी गुड़ में बनाएंगे जो कि बहुत ही हेल्दी भी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। तो यहाँ पर गुड़ को ऐसे तोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, उसमें यहाँ पर सारे गुड़ को डाल देंगे। अभी इसमें यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, तो अभी गैस पर रख देते हैं इसको और ये जब तक अच्छी तरह से इसे बॉयल होने देंगे तब तक ये गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए। अभी यहाँ पर गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अभी ये गर्म है, इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बाउल लेंगे, उसमें यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है। जितने आपको ये रेसिपी बनाने उसके अनुसार आप आटा लें। इसके अंदर मैंने 4 से 5 इसके अंदर कटोरी आटा लिया है। अभी जो हमने गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट किया ना, वो सारा छलनी से ऐसे छान लेंगे। ये देखिए बहुत सारा डस्ट होता है इसके अंदर। अभी देखिए इसमें नमक डाल देंगे। नमक इसमें 2 से 3 चुटकी ही डालिएगा, इससे बैलेंस हो जाएगा मीठे का और ताकि अच्छा टेस्ट हो जाए खाने में भी। तो देखिए अभी अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अभी इसमें हमने पानी ऐड करना है, तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है, तो इसे डाल देंगे। जो गुड़ का बर्तन था उसी में डालकर मैंने ये पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको बिल्कुल पतला नहीं करना है और न ही इसको गाढ़ा रखना है। अभी इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये वो सीक्रेट चीज़ है जिसे मिलाने से ना बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने ये 1 बड़ा चम्मच है ये बेसन लिया है, तो इसमें आप बेसन डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट बढ़ जाता खाने में। तो यहाँ पर 1 चम्मच ही बेसन डाल देंगे इसके अंदर। अभी इसे डालकर मिला लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाते जाना है, इसमें कोई भी जैसे लम्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ ही इसको तैयार करना है। अभी देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इसके अंदर, अभी ये गाढ़ा लग रहा है। तो देखिए इस तरह से इसको तैयार करना है, न तो गाढ़ा न ही पतला है। देखिए इस तरह से तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसके हम बनाएंगे, अच्छी तरह से बनेंगे, एकदम सॉफ्ट भी बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर गैस ऑन कर दी है, अब यहाँ पर तवा भी रख देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। इस रेसिपी को मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको घी में बना सकते हैं। थोड़ा सा हम तवे पर डाल देंगे, उसके बाद एक कड़छी की सहायता से यहाँ पर ऐसे इसको फैला देना है। इसके आप बड़े या छोटे जैसे भी चाहे बना लें, बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, न तो ज़्यादा मोटे न ही ज़्यादा पतले, इस तरह से इसके बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए इस तरह से फैला देंगे। गैस को यहाँ पर मीडियम से लो रखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर तेल लेंगे, सरसों का तेल लिया मैंने, इससे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अभी इसे पकने देंगे, ये देखिए ऊपर से डाल सूखने लगेगा, उसके बाद इसको पलट देना है। तो अभी साइड साइड से इसको ऐसे छुटा लेते हैं, अभी इसको हम पलट देते हैं। अब ये देखिए दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। बहुत ही अच्छे लगते खाने में, एकदम सॉफ्ट होते हैं और आप इसे बना सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे रायते के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। तो देखिए एक तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट रहता है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से। तो चलिए अभी मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे तवे पर और फिर एक कड़छी भर कर डालेंगे ना, तो अच्छी तरह से बन जाएगा ये, और ज़्यादा मोटे भी नहीं और ज़्यादा पतले भी नहीं, इसे मीडियम ही बनाए तो अच्छा रहता खाने में, अच्छा टेस्ट रहेगा इनका। अब इसको अच्छी तरह से फैला देंगे, देखिए ऐसे सेम वैसे ही इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे ऐसे कोनों से, ताकि अच्छी तरह से ना ये चिपके नहीं और अच्छी तरह से ये निकल जाए। देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी इसको पका लेना है,
और ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से पक कर तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे सर्व कीजिएगा आप चटनी के साथ, या फिर आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं, दही के साथ भी बहुत अच्छे लगते खाने में। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और मुंह में जाते घुल जाते हैं। आप इसी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।